हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आई माई रॉक माई लाइफ। मेरा नाम आयुष कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ सिनोली। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आज का टॉपिक काफी ज्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ सिनोली के बारे में कि क्या है ये सिनोली और क्या है इसका रहस्य। तो दोस्तों, आप आजकल टीवी पर एड देख रहे होंगे, मनोज वाजपेयी जी इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको ऐड देखने को मिलेगा द सीक्रेट ऑफ सिनोली। आपके मोबाइल पे इसके ऐड आ रहे होंगे तो आप इसे थोड़ा सा इग्नोर कर रहे होंगे कि क्या ये सीक्रेट ऑफ सिनोली। तो ये काफी ज्यादा बड़ी खोज है अब तक की। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और काफी ज्यादा आपको एक पसंद आएगा। अगर आप एक बार इसे प्ले करते हैं तो आप इसे बीच में नहीं छोड़ोगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सीक्रेट ऑफ सिनोली क्या है दोस्तों? ये जो सिनोली है ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है सिनोली। तो यहाँ पर साउथ एशिया की सबसे बड़ी खोज हुई है। यहाँ पे जो उत्खनन हुआ है, जो खुदाई हुई है, उसमें बहुत सारे सामान निकले हैं, पुरातात्विक जो पुरानी चीजें हैं, और ये काफी अच्छी कंडीशन में यहाँ पे मिली है और काफी ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी की है, मतलब काफी ज्यादा आगे की टेक्नोलॉजी के। तो ये कम से कम 4 से 5 हजार साल पुरानी ये चीजें हैं जो सिनोली में जो सामान मिले हैं अब तक इतनी अच्छी कंडीशन में। जहां पे भी पूरी दुनिया में उत्खनन हुए वहां पे इस तरह के इतने अच्छी कंडीशन में कुछ भी सामान नहीं प्राप्त हुए हैं अभी तक। और ये जो सामान है, इन सामानों की वजह से जो पुराने जो हमारे सवाल थे, जिनके जो मतलब जिनके रहस्य हमें नहीं मिल पा रहे थे, तो उन रहस्यों का समाधान भी इन सामानों की वजह से हुआ है, उन सवालों को इन्होंने जवाब दिए हैं। तो पहले जो तलवारें मिलती थी जो उत्खनन हुए थे, उनमें क्या होता था, तलवार पकड़ने का नीचे का हिस्सा नहीं मिलता था, वो पहले ही गल गया होता था। तो सब ये एक सवाल था कि ये तलवारें लोग कैसे यूज करते थे उस समय के। तो ये जो सिनोली की जो तलवारें निकली है, इनमें तलवारों के नीचे का पकड़ने का हिस्सा उनके साथ मिला है, इस वजह से कि जो सिनोली के लोग थे वो तांबे का काफी ज्यादा यूज करते थे और उन्होंने जो पकड़ने का हैंडल होता है तलवार का, उस पर तांबे का जो धागा था वो लपेट रखा था, जिसकी वजह से उन तलवार का नीचे का पकड़ने का हिस्सा बचा हुआ था अब तक। यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है, जैसे कि मटके, घड़े, कंकाल। भारत की सबसे बड़ी खोज क्या है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सिनोली के खुदाई में निकली है वो है एक रथ, जो कि भारत में आज तक जितनी भी खोजें हुई है वहां पर इस तरह की कोई सबूत नहीं थे कि रथ वगैरह के। तो यहाँ पे एक नहीं तीन रथ यहाँ पे मिले हैं बिल्कुल सही से, मतलब काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में, और इनकी जो टेक्नोलॉजी है रथों की वो काफी ज्यादा अच्छी है उस समय के अकॉर्डिंग, कि उस समय में ये जो सिनोली के लोग थे वो काफी ज्यादा आगे की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। और हाँ दोस्तों, जब आप इस एपिसोड को देखोगे तो आपको इतना ज्यादा मजा आने वाला है, काफी ज्यादा अच्छे से इसकी प्रेजेंटेशन की हुई है, इसकी जो एनिमेशन है, ग्राफिक्स है और म्यूजिक है, और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया जब मैंने इसे प्ले किया। तो इतने अच्छे से इसे प्रेजेंट किया गया, इतने अच्छे मूवमेंट आए कि मेरे कई बार रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों से आंसू आ गए, इतना ज्यादा मैं भावुक हो गया था इसे देखकर। और उम्मीद है आप भी जब इसे देखोगे इसमें खो जाओगे, और जो मेरे साथ हुआ ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो सीक्रेट ऑफ सिनोली उन लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, जिन लोगों को इन पुरानी चीजों से लगाव है, पहले से ही इन चीजों में इंटरेस्ट है, तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। मुझे भी पुरानी चीजों का काफी ज्यादा शौक है और इसी तरह की कुछ चीजें मेरे आसपास भी है, जैसे कि मैंने अपने गाँव मुजफ्फरनगर सैनी के लिए वीडियो बनाई है। हमारा गाँव भी थोड़ा इन्हीं चीजों से लैस है पुरानी चीजों की, क्योंकि हमारा गाँव काफी ज्यादा पुराना है और वहां पर भी पुरानी चीजें मिलती रहती है, हड्डियों के अवशेष वहां पर मिलते रहते हैं, ईटे मिलती रहती है बड़ी बड़ी। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो आपको ऊपर आई ऑप्शन मिलेगा वीडियो के, तो आप वहां से मुजफ्फरनगर सैनी की वीडियो देख सकते हैं, और खेड़ा नाम की जो मैंने वीडियो बनाई उसमें इन चीजों के बारे में मैंने बताया है। तो मुझे जो अपने गांव की ईटे मिली और जो सिनोली में की जो खोजे थी, और अपने देश में जो अलग अलग जगहों पर जो खोजे हुई है, तो वहां की ईंटों की जो सिमिलैरिटी, अपने गाँव की जो मेरे सैनी गांव की ईटे, तो काफी ज्यादा सिमिलर है उनकी हाइट, लंबाई और ऊंचाई वगैरह जो भी थी, तो काफी ज्यादा मुझे लगा कि हाँ उन लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे गांव से भी होगा जरूर, या फिर जो भी है। तो दोस्तों, तो हमारे गांव की भी काफी अभी तक रहस्यमय है कि यहाँ पे क्या था पहले, ये जो ईंटें निकल रही है, जो पंखा निकल गया, घड़े हटके यहाँ पे क्या हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ी सी रिसर्च की जाए और इसके समय पता लगाया जाए कि जो हमारे गाँव में खेड़ा है
ये किस समय का है और यहाँ पे क्या हुआ था जो ये इतना ऊंचा है, ये पलटा हुआ है या फिर ये पहले से ही दफनाई गई चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि जैसे कि हम बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, स्पेस की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हम इसरो को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इसरो को पहले इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था, ये जो कुछ मिशन हुए हैं इसकी वजह से लोगों का ध्यान इसरो की ओर गया है और उन्हें इस पर विश्वास हुआ है कि हाँ हमारी जो स्पेस एजेंसी काफी अच्छे से काम कर रही है और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी लोग देखें, इसे सपोर्ट करें और इस चीज में अपना योगदान दे कि वो अच्छे से इसमें काम किया करें और इसमें हमें और भी ज्यादा अच्छे से जो हमारी इतिहास है उसे जानने का मौका मिलेगा, जो गड़ी हुई चीजें हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, क्योंकि बहुत से रहस्य हैं जो हमारा इतिहास है वो मिटाने की कोशिश की गई है। तो हमारा इतिहास नीचे दफन है, तो हम मैं चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर इसका सपोर्ट करना चाहिए और अपने इतिहास को जानने का हमें मौका मिल रहा है तो हमें इसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और दोस्तों सिनोली को देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है, इतनी ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा, इतनी ज्यादा अच्छी चीजें वहां से निकली हैं और काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में ये चीजें मिली हैं जो कि अभी तक और जगह की खुदाई में इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी। हालांकि जब मैंने ये शो मतलब ये एपिसोड देखा था द सीक्रेट ऑफ सिनोली का, मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था कि हाँ ये क्या हो गया, मतलब काफी ज्यादा मुझे पसंद आया। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये सीक्रेट ऑफ सिनोली कहाँ देख सकते हैं, क्योंकि डिस्कवरी प्लस पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो मैंने एक ट्रिक निकाली है, मतलब एक रास्ता है जो बिना सब्सक्रिप्शन के आप इसे देख सकते हैं इजीली। तो मैंने टेलीग्राम पे ये वीडियो अपलोड की है, तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमको ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है आपने कि जो है ना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, जो भी मैं आपके लिए टीवी और मूवीज की मतलब टीवी शोज और मूवीज की वीडियो लेकर आता हूँ। तो आपको कमेंट नहीं करते, आपको कमेंट करना है, बताना है और अपने इंटरेस्ट की वीडियो मतलब मूवीज और शो के बारे में बताना है आपको किस टाइप के शोज और मूवीज पसंद है, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से और अच्छी मूवीज और शो आपके अकॉर्डिंग लेके आ सकूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।